अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। और यहाँ मैं आई हुई हूँ वॉलमार्ट। एक्चुअली मैं ग्रॉसरी करने आई हुई थी, तो मुझे यहाँ बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर नज़र आए। सो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं अपने गार्डन में कुछ नए फ्लावर और कुछ प्लांट्स वगैरह लगाऊँ, तो मुझे यहाँ नज़र आए तो सोचा मैं यहीं से ही ख़रीद लूँ। बस मैंने वहाँ से कुछ गार्डनिंग सामान, कुछ फ्लावर सीड, कुछ फूल, कुछ गार्डन सॉयल ख़रीद ली। और घर आने के बाद मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैंने वीडियो बनाना ही भूल गई। ये कुछ क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। खैर, घर आने के बाद हमने डिसाइड किया कि कहाँ कहाँ फूल लगाने हैं, क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ जगह बिल्कुल खाली थी और वहाँ फूलों की सख्त ज़रूरत थी। बच्चे फूल देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनको भी गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वो मुझे अक्सर कहते थे कि मामा ये वाला फूल लेके आएं, ये वाला फूल लेकर आएं। और आई थिंक बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, उनको इस चीज़ में ज़रूर इन्वॉल्व करना चाहिए। सारा अक्सर कोई भी फ्रूट खाती है तो उसका बीज ज़रूर उगाती है, चाहे वो उगे या ना उगे, बट आई थिंक बच्चों को इस चीज़ में ज़रूर इंकरेज करना चाहिए। बच्चे तो बच्चे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मुझे शुरू से ही गार्डनिंग का बहुत शौक़ था और मुझे बड़ा दिल करता था कि मेरे घर में कोई लॉन हो और मैं वहाँ बहुत सारे फूल और फूल उगाऊँ। तो खैर, बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। बच्चों को इस तरह साथ लगाने से एक तो उन्हें काम की आदत पड़ती है और वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, और इसके अलावा ये कि उनमें भी गार्डनिंग का शौक़ पैदा होगा। तो आप उनको इस तरह की एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व किया करें। गाइस, यहाँ पे मैंने बहुत पहले से कुछ सीड उगाए थे और जो के पौधे निकल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। कुछ वीड्स निकाल रहे थे हम यहाँ पे, तो अहमद साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं। I'm going to name this guy Joy. दिखाओ, ये वर्म। He's a baby. गिर गया। He's a baby. Oh yeah, I got him again. I'm going to name this guy. क्या नेम दोगे? Hyper. Hyper दोगे? That's why he's so moving. ये आपने इसको pet बना लिया? पानी देने का काम मैं बच्चों के जिम्मे लगा देती हूँ और वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं। Guys, let me show you. We're sprouting some plants in front of our house. It's starting to, they just sprout right there. Wait, no, that's not the sprout we got. Yeah. We got these. साथ ही मुझे एक पैकेज रिसीव हो गया जिसका मुझे काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। ज़्यादा नहीं, मैंने थोड़ी बहुत किचन मेकओवर के लिए चीज़ें मंगवाई हुई थी, तो सोचा मैं जल्दी जल्दी किचन को भी सेट कर दूं। तो यहाँ मैंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स मंगाए थे। मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, मेरा बस नहीं चलता मैं अपने घर में हर जगह पौधे ही पौधे रख दूँ। ये डाइनिंग टेबल पर मैं अपनी वाइट स्टिकर शीट्स लगा रही हूँ। ये वाइट मार्बल की स्टिकर शीट्स है, ये आप वॉलपेपर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मेरे कैबिनेट से भी मैच हो रही थी किचन की, तो मैंने ये अपने डाइनिंग टेबल पर बिछा लिया। और ये है मेरी डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक, मुझे तो अच्छी लग रही है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लग रही है। इसके अलावा मैंने कुछ किचन की डेकोरेशन के लिए कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स और कुछ आर्टिफिशियल बेलें मंगवाई थी। गार्डन और किचन में काम करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा कि डिनर बाहर से कर लिया जाए।
तो यहाँ हम पांडा एक्सप्रेस आए हुए हैं क्योंकि यहाँ के श्रिम्प्स और नूडल्स बच्चों को बहुत पसंद है, तो यहाँ हम अक्सर आते जाते रहते हैं। I'm eating this crab, so I peeled off the like the crust and the bread crumbs. How did you do it? How? How do you use them? Try करो use करने की. Yes, finally. 60 hours later. तो इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।